जनपद संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के उपरांत सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। सपा युवजन सभा के नेता भावेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केला देवी धाम पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, लेकिन यादवों की कुल देवी माता के मंदिर न जाकर जनता का अपमान किया है और देवी देवताओं में भेदभाव किया है। सपा नेता का गंगाजल से शुद्धिकरण करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर सपा नेता भावेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि वीडियो में सपा नेता भावेश यादव मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर धार्मिक कृत्य करता दिख रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष है। इस मामले में सपा नेता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। थाना भेजोई के अंतर्गत कल 22 सितंबर को एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वीडियो में 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा जो केला देवी मंदिर के पास में हुए मैदान में हुई थी, उसमें पुलिस बल तथा वहां पर सामग्री के रवाना होने के पश्चात एक युवक जिसका नाम भावेश यादव है, ये उस स्थान पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ धार्मिक कृत्य कर रहा है। इससे आसपास के गांवों में तथा क्षेत्र में रोष परिलक्षित हुआ। इस सबको ध्यान में रखते हुए इसको प्रिवेंटिव धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट किया गया तथा साथ में इसके विरुद्ध 153A, 295A तथा 505 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।